अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम परेशान मत हो, मैं इनकी गलतफहमी दूर करके बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं ना, देखना मैं आपको बहुत जल्द छुड़वा लूंगा। भैया ये अंगूठी बहुत जल्द आप अपने हाथों से सुमन के हाथों में पहनाएंगे और ये मेरा वादा है आपसे कि अब मैं आप में और सुमन के बीच कोई दूरी नहीं रहने दूंगा। तावी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं कुछ लोग को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ। हमने बोल दिया तेरा काम हो जाएगा, हम बोल रहे हैं ना तुझे, समझा? अरे थैंक बोले बे। अरे खरन सेठ तुम, ना राम राम ना दुआ ना सलाम, अचानक दबे पांव आकर के हमको डरा दिया। खाम खा अगर गोली चल जाती तो राम नाम सत्य हो जाता। करण इतनी जल्दी मौत के मुंह में नहीं जाने वाला राम मनोहर। खैर ये सब छोड़ो, मैं यहां तुम्हें शुक्रिया बोलने के लिए आया, तुमने मेरा काम ही इतना बढ़िया किया है। करण सेठ, राम मनोहर के लिए छोटे मोटे काम बाएं हाथ का खेल है। जो भी हो, पर तुम्हारे खेल ने मेरा खेल बहुत आसान बना दिया। वाह क्या फिल्मी सीन था, मेरे घर में पार्टी चल रही थी, सब खुश थे और फिर अचानक पुलिस आ गई। कौन कहता है कि पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुंचती। पुलिस को देख कार्तिक भैया के चेहरे से खुशी छू, उनके चेहरे से खुशी तो ऐसे गायब हुई कि पूछो ही मत। और तब मेरा दिल खुशी से भर गया, तब मुझे अपनी जीत का एहसास हुआ। वाह करण सेठ, राम मनोहर तो यूं ही बदनाम है, तुम्हारे दिमाग में ये जो खतरनाक किस्म के घोड़े दौड़ते रहते हैं। वाह क्या प्लान बनाया है, असली पार्टी जो डील करने वाली थी वो तो इंतजार ही करती रह गई, फिर हम पहुंच गए वहां पर नकली पार्टी बनकर और कार्तिकवा को फंसवा दिया। कसम से करण सेठ, राम मनोहर नहीं जानता था कि तुम्हारे भेजे में इतना दिमाग है। मैं डाल डाल तू पात पात, इसे कहते हैं नेहले पे दहला। सच करण तुम तो हमारे भी गुरु निकले। वापर
कोई नहीं है यहां पर। नहीं, यहां कोई तो था। शायद तुम ठीक कह रहे हो, यहां कोई नहीं। कौन आएगा इस गंदी जगह पर? अब मैं आगे कार्रवाई करता हूं। तुम्हारा रास्ता उधर, मेरा रास्ता इधर। चलो। हाँ पापा, ये सब करण कर रहा है क्योंकि वो कार्तिक और सुमन से नफरत करता है। अपने नफरत का बहुत गहरा जाल बिछाया है करण ने। पापा, आप बस देखते जाइए कि कैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग अब ठाकुर खानदान की बर्बादी का कारण बनेगी। करण के बहाने हमने इस हवेली में कदम रखा था ना, तो बस अब करण को ही मोहरा बनाकर हम इस घर और इस घर वालों को बर्बाद करेंगे। अब इस खेल में मोहरा होगा करण और चाल चलेंगे हम। फिर हम देखते हैं कि हमें जीतने से कौन रोकता है। मैं तुम्हारी जीत की दुआ करूंगा बेटा, ऑल द बेस्ट, मगर प्लीज अपना ध्यान रखना। पापा, अब ख्याल तो करण और इस परिवार वालों को रखने की जरूरत है, हमें नहीं। बाय बेटा। बेचारा करण, प्लीज आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप किसी से कुछ मत कहना।